गुड मॉर्निंग साथियों, आ जाओ जल्दी से, आपकी एक और क्लास शुरू हो चुकी है। बहुत ही अच्छी क्लास होगी ये, ध्यान से देखना और पूरा देखना। देखिए साथियों, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, एक्सरसाइज 15.1, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। कक्षा 10 की NCERT बुक के अकॉर्डिंग आप लोग बुक से मिला लो। इसमें हमें एक पासे के बारे में बात करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना, फिर मैं लिखने का तरीका बता दूंगा। और अगर क्लास को समझना है तो कम से कम 5 मिनट 7 मिनट देखना, उससे कम देखोगे तो समझ में ना आएगा, पक्का मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी जा सकते हो। कम से कम 5 मिनट देखना, पक्का समझ में आएगा। देखिए, आपने पासा देखा होगा, जिसे लूडो खेलते हैं। नहीं देखा है तो देख लेना, लूडो पासा सर्च करके गूगल में देख लेना, नहीं तो दुकान पर मिल जाएगा। ऐसे गुट्टी होती है गोली गोली, और उसमें छेद छेद होते हैं चारों तरफ। पहले ये पासा देख लेना, तभी ये सवाल समझ में आएगा। उसमें साथियों क्या होता है, उस पर टोटल 6 छेद होते हैं। कितने होते हैं, मतलब एक तरफ 6 छेद होते हैं, है ना, बात समझ रहे हो ना। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अब यहाँ पर हम छेद की बात करें, होल की, या फिर नंबर की बात करें, तो उस पर 6 संख्याएं अंकित होती हैं। कितनी होती हैं, 6 संख्याएं। जो मैंने होल आपको बताया वो आप संख्या मान लो, तो 6 संख्याएं अंकित होती हैं, चारों तरफ लिखे होते हैं। ठीक है, अब आगे समझना क्या करना है। कह रहा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, मतलब उसको ऐसे उछाल के फेंका जाता है, फिर निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता मतलब होता है संभावना, एक अभाज्य संख्या। बताइए, अगर पासे को एक बार फेंका गया तो क्या संभावना है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होगी। फिर दूसरा सवाल, क्या संभावना है, क्या यानी कि क्या प्रायिकता है कि 2 और 6 के बीच की कोई संख्या प्राप्त होगी, या फिर क्या और संभावना है कोई विषम संख्या प्राप्त होगी। तो देखो, हल करने के पहले सबसे पहले सामान्य बात लिख लो। चूंकि एक पासे पर 6 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5 व 6 होती हैं, नीचे लिखोगे, इसलिए कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। इतना लिख लिया, चलो ठीक है। अब फिर हम पहले सवाल पे चलते हैं, इतना लिख लिया तो बहुत अच्छे आप सभी। चलिए पहले क्वेश्चन पे, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, मिटाने से अच्छा है कि आप नीचे देख लो। देखिए, ध्यान देना, अब इसमें का पहला सवाल, पहले उतना लिख लेना, लिखने के बाद तब ये पहला सवाल करना। पहला नंबर, एक अभाज्य संख्या बोल रहा है ना, इस पर लिखो पासे पर कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभाज्य कितनी है भाई, 6 के बीच में कितनी अभाज्य हैं, 1 है, 3 है और 5 है। वो कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, अर्थात 3 संख्या। पासे पर अभाज्य संख्या कितनी है, 3। अब नीचे लिखोगे, देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, इसी को तो भाग देते हैं ना। देखो बुक में कैसे लिखा गया है, किस अकॉर्डिंग, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या। तो साथियों, अब प्रायिकता लिखोगे, पी ई इक्वल यहाँ पर आप लिखोगे अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे लिखोगे संभव परिणामों की संख्या। ठीक ना, अनुकूल मतलब कुल कितने हो सकते हैं, नीचे लिखना संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल मतलब साथियों वो होता है जो हमें लाना है। देखो, कह रहा था कि एक अभाज्य संख्या होगी, इसकी कितनी संभावना है, तो देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि 3 संख्याएं उस पर दर्ज हैं पासे पे, तो 3 चांस है कि अभाज्य संख्या आ जाएगी, यानी 3 मौका है। कहने का मतलब जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है, 3 है। और संभव परिणाम, संभव मतलब टोटल कितने हैं, जितने टोटल हैं उतने संभव हो सकते हैं, और टोटल हमारे पास हैं कितने, 6 हैं। चूँकि 6 संख्याएँ हैं तो उसमें 6 में से कोई भी आ सकती है, तो अगर कोई और आएगी तो वो अनुकूल नहीं होगा, लेकिन इन 3ों में से अगर कोई आएगी तो अनुकूल हो जाएगा। इसका मतलब 3/6 लिखोगे, इसको काट दोगे, 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो फटाफट, हो गया। चलिए अब इधर साइड में देख लो आप अगले दोनों के लिए। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, इसकी क्या संभावना है। देखो, दूसरा नंबर यहाँ पर आप लिखोगे और लिखिए
पांसे पर मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं लिख लो, पांसे पर दो और छः के बीच स्थित कुल संख्या बराबर, पांसे पर दो और छः के बीच स्थित कुल संख्या बराबर। देखो एक से छः के बीच में अगर आप देखोगे तो दो से छः के बीच में कौन कौन संख्या होगी, दो से छः के बीच में देखो तीन होगी, चार होगी, पाँच होगी, तीन संख्या होगी ना, संख्या बराबर कितनी होगी, पाँच नहीं होगी यार, तीन होगी, कितनी, तीन। वो कौन कौन सी हैं चाहे तो इधर कोष्टक में लिख लो, तीन चार और पाँच, है ना, यही तो है, तो लिख लो पांसे पर दो और छः के बीच स्थित संख्या बराबर, कुल संख्या बराबर तीन, अतः अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी, तीन, चूंकि वही लाना है तो यहाँ पर लिखोगे आप अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर तीन। संभव परिणाम कितने हैं, संभव परिणाम कितने हैं, टोटल भाई छः संख्याएं हैं ना, तो संभव छः हैं, तो अब आप प्रायिकता निकाल लो, चाहे तो यहाँ भी लिख लो, कोई गलत नहीं है, संभव परिणामों की संख्या, संभव लिख लो भाई, सभी जानते हो कैसे होगा ये, संभव परिणामों की संख्या बराबर छः। अब प्रायिकता लिख लो, पी ई इक्वल अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, अनुकूल है तीन और संभव है छः, एक बटा दो। साथियों इसमें एक खासियत है, इन तीनों की जो प्रायिकता है वो आधी आधी है, सभी की 1/2 है, चाहे जिसका कर लो सबका वही आएगा। इसको आप लिख लिए तो मैं मिटा देता हूँ, चलिए जल्दी करिए, और हाँ पहले समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में अगर आएगा तो आप लिख नहीं पाओगे, अगर समझ लोगे तो इसको आप बिना लिखे भी काम चला सकते हो, मतलब खुद से लिख सकते हो, बाद में लगा सकते हो अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो। चलिए एक विषम संख्या की क्या प्रायिकता है, अब तीसरा लिखो, पांसे पर कुल विषम संख्याएं बराबर, देखो पांसे पे कुल छः ही संख्याएं थी, उसमें विषम कितनी होंगी देख लो यार, एक दो तीन चार पाँच छः, विषम कौन कौन है, ये पांसे पर कुल विषम संख्या तीन, लिख लो पांसे पर कुल विषम संख्या बराबर तीन। अब लिखो अनुकूल परिणाम, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर कितना तीन, संभव परिणाम छः, फिर नीचे लिखोगे प्रायिकता, और चाहे तो इसको ऐसे भी लिख लो, प्रायिकता पी ब्रैकेट में एक विषम संख्या, जहाँ मैंने घटना को ई मान लिया है, संभव परिणाम सॉरी अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, तो अनुकूल तीन संभव छः, काटोगे एक बटा दो। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 13 का तीनों पार्ट आ गया है, जल्दी से आप सभी इसको लिख लो, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हो फटाफट, ठीक ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो 16 नंबर, देखिए साथियों अगर आपने एनसीईआरटी का बुक लिया है तो आपके बुक में भी क्वेश्चन होगा, देख लो क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो 15.1 एक्सरसाइज का, किसी कारण कह रहा है, किसी कारण 32 खराब पेन, कितने खराब पेन कितने हैं 32, ठीक ना, लिखो जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, नहीं दिया है तो सुन के लिख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लिखूंगा नहीं, ठीक ना, किसी कारण 32 खराब पेन 144 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक ना, क्वेश्चन फिर से सुन लो, किसी कारण 32 खराब पेन 144 अच्छी पेन में मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सी पेन खराब है कौन सी अच्छी है। देखो जैसे ये मैं दोनों पेन ले लिया, इसमें एक चुक स्याही खत्म हो गई, एक में है, लेकिन आप देख के इसमें कैसे बताओगे किसमें स्याही है किसमें नहीं है, दोनों ब्लैक दिख रही है ऐसे देखने में ना, ऐसे ब्लैक दिख रही, तो इस तरह से आप उसमें देख के नहीं बता सकते हो कि किस कौन खराब है कौन सी सही है। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बिना देखे हुए अगर उसमें से एक पेन निकाला जाता है यादृच्छया मतलब, तो पेन की अच्छा होने की क्या प्रायिकता है, मतलब कहने का ये है जैसे मैंने कल आपको झोला वाला बताया था, जैसे मान लो मैं इसी में ढेर सारी पेन रख दूँ, ठीक ना, 32 मैंने इसमें रख दिया खराब पेन, 144 अच्छी पेन रख दिया, अब बिना देखे अगर मैं इसमें से एक पेन निकालता हूँ तो इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब प्रायिकता मतलब संभावना, कितने चांस हैं कि वो पेन अच्छी वाली होगी बताओ,
32 खराब है, 144 अच्छी है, यानी कि कुल पेन कितनी है? अभी ये देखो पहले आप, कुल पेन कितनी है यार? था कितना? 32, 144 था, 132 और 12 था, कितना था? खराब पेन 12 था, इसको आप लिख लो, सही सही नहीं हो सकता आपके बुक में और दिया हो, ये 132 है। मतलब समझना, संख्या से कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना मैं बताने वाला क्या हूँ। कुल पेन हो जाएगा 2, 2, 4, 1, 4, 1, टोटल पेन कितने? 144 पेन है, मतलब कि झोले में कितने हैं? 144 पेन है। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि अगर आप बिना देखे एक पेन निकालोगे तो कितने चांस है कि वो पेन अच्छी वाली होगी? कितने चांस है सोचो। इसमें 144 पेन भरे गए हैं, जिसमें 32 मैं बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, 12 खराब पेन है, 132 अच्छी पेन है, तो कितने मौके हैं, कितने चांस हैं, कितनी उम्मीद है कि जो पेन निकलेगी वो सही वाली होगी? देखो कुल 144 है, उसमें से 12 खराब है, तो यार 132 पेन तो सही है ना, उसमें 132 सही है ना, यानी कि 132 बार उसमें से सही पेन निकल सकती है, लेकिन कितनी बार खराब हो जाएगी? 12 बार खराब पेन भी निकल सकती है। टोटल कितनी बार आप पेन निकाल सकते हो एक एक? 144 बार ना। तो आप लिखोगे जैसा कि लिखिए, इसमें कुछ जिस तरह से लिखवाया गया मैं वैसे ही लिखवा देता हूँ। अब लिखिए कुल पेन इतना हो गया, इसलिए अच्छे अच्छे पेन निकालने या फिर निकालने की प्रायिकता या फिर अनुकूल परिणाम, ब्रेकेट में इसको अनुकूल परिणाम लिखो, प्रायिकता लिखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना, निकलने की अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 132। और लिखो कुल संभव परिणाम बराबर कितने हैं? 144। अब लिखो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट लिखा जाता है, उसको आप वैसे ही लिख लो, ठीक ना। माना घटना ई, एक अच्छे पेन का निकालना है, घटना को मान लो ई, ठीक ना, माना घटना ई एक अच्छे पेन को निकालना है। देखो ये मान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी वैसे भी अगर लिख दोगे पी ई तब भी हो जाता है, तो पी ई इक्वल क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। तो साथियों कुल अनुकूल परिणाम 132, संभव परिणाम 144, काटोगे इसको कितने से? 11 से काट दो ना, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, लेकिन ये 11 से नहीं कटेगा। अब इसको किससे काटेंगे हम, चलो काट लेते हैं। देखो इसको हम काट सकते हैं साथियों 12 से, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, और ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी 11 बटा 12 आएगा। इसको आप किससे काट सकते हो? 12 से। इस तरह से अच्छे पेन निकालने की संभावना कितनी हो जाएगी? 11 बटे 12 हो जाएगी। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, और बहुत ही ध्यान से देखना। देखो ये 16 नंबर हो चुका है, लिख लो जल्दी से, फट से लिख लो, हो गए। अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, टाइम नहीं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन मैं जो आपको करवाऊँगा वो 18 नंबर होगा, 18 नंबर आप लोग कर लोगे ना। चलिए 18 नंबर मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि एक पेटी में, किसमें? पेटी में। 18 नंबर क्वेश्चन आप नोट करो अगर पढ़ना है तो। चलो शुरू करो, 18 नंबर डाल के लिखो। एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क मतलब जानते हो ना, अभी बताऊंगा। 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक के अंक अंकित हैं। यदि इस पेटी से एक डिस्क यदृच्छया निकाली जाती है, यदृच्छया मतलब इच्छा अनुसार एक प्रकार से, ठीक ना, यदि इसमें से एक डिस्क इच्छा अनुसार निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
कि इस डिस्क पर अंकित होगी। क्या अंकित होगी? यदि उसमें से एक डिस्क अदृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। और क्या अंकित होगी? पहला, दो अंकों की एक संख्या, इसकी प्रायिकता बताना है। दो अंकों की एक संख्या। दूसरा, इसमें क्या प्रायिकता निकालना है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपको एक करके बता देता हूँ। देखिए साथियों, पेटी में कुल डिस्कों की संख्या कितनी है? 90 है। पेटी में कुल कितने डिस्क हैं? अब आप यहाँ पर लिखो हल, लिखो हल में लिखो, पेटी में कुल डिस्क इक्वल 90, कुल 90 हैं। और एक एक पर कह रहा है, एक से 90 तक के अंक अंकित हैं, है ना? तो लिखो, एक डिस्क निकालने के 90 संभव परिणाम हो सकते हैं। कितने परिणाम? 90 परिणाम, चूंकि 90 डिस्क हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अंकित होगी। लिखिए, एक डिस्क निकालने के 90 संभव परिणाम हो सकते हैं। एक डिस्क निकालने के संभव परिणाम बराबर 90 ये हो सकते हैं। उसके बाद आगे क्या कहता है? कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी दो अंकों की एक संख्या। देखो यार, दो अंकों की संख्या के कितने परिणाम होंगे? अब पहले सवाल पे चलो, लिखो, प्रत्येक डिस्क पर एक से 90 तक अंकित है। पहला क्वेश्चन लिखो, अब प्रत्येक डिस्क पर अंकित अंक एक से 90 है, ठीक ना? प्रत्येक डिस्क पर अंकित अंक एक से 90 है। ऐसी डिस्कों की संख्या जिन पर दो अंकों वाली संख्या अंकित है। चलिए, ऐसी डिस्कों की संख्या संख्या जिन पर 90 क्या है, सॉरी, दो अंकों की संख्याएं अंकित हैं। ऐसी डिस्कों की संख्या जिन पर दो अंकों की संख्याएं अंकित हैं, जो मैं नहीं लिख रहा हूं उसको भी लिख लो आप सभी, तो कितनी हो जाएंगी? 90 माइनस 1, बात समझना, तो बराबर कितना हो गया? 89। अभी इसका टोटल मतलब समझना, कुछ इसमें गलत भी है। देखो, एक अंक की 9 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? एक अंक की 9 संख्याएं होती हैं, एक अंक की एक संख्या नहीं होती है। पहले पूरा मतलब समझना। देखो, अगर कोई पेटी है उसमें 90 डिस्क हैं, इधर समझ लो कितने हैं, 90 डिस्क हैं। कह रहा है उसमें एक से 90 तक के अंक अंकित हैं। मतलब अगर एक डिस्क है, मान लो इस पे एक लिखा है, एक डिस्क है इसमें 5 लिखा है, एक पे 50 लिखा है, एक डिस्क पे 70 होगा, एक पे 80 होगा, एक में 87 होगा, ऐसे ऐसे सभी डिस्क पे कोई ना कोई नंबर है ना? तो ये बताओ, दो अंक के संख्या के बारे में प्रायिकता निकालने को बोला था कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दो अंकों की संख्या उस पर अंकित है। देखो, 9 तक जो अंक होंगे उसमें तो दो अंक है नहीं, इसका मतलब 9 डिस्क ऐसी होंगी जिनमें केवल एक अंक की संख्या है ना? यही तो होगा ना? तो वो 9 डिस्क अलग कर दोगे। इस तरह से 81 डिस्क कितने हैं? 81 डिस्क जिस पर दो अंक वाली संख्याएं अंकित हैं, है ना? यानी कि कितने हैं? 81। अब आगे लिखो आप सभी। चलो ठीक है, इधर साइड में दिखा देता हूँ, जगह थोड़ा कम है। देखिए साथियों, ये वीडियो बढ़ाना हो जाए इस वजह से हमें कुछ चीज़ें शॉर्ट करनी पड़ेंगी, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर देखो, आपके सामने सब कुछ लिखूंगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी। माना घटना ई, निकाली गई डिस्कों पर दो अंकों वाली संख्याओं का अंकित होना है, तब पी ई इक्वल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो देखो, अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 81, यानी कि कुल 81 डिस्क होंगी जिन पर दो अंक की संख्याएं अंकित होंगी। तो ये हो जाएगा 81 अपान, और देखना कुल संभव कितने परिणाम हैं, 90 हैं। तो यही आपका हो गया आंसर, काट दोगे 9 9 81, 9 10 90, यानी कि 9/10 क्या आ जाएंगे, यही तो आएगा ना? ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लो। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको भी देख लो।
दूसरा देखना, जल्दी से नोट कर लो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फटाफट आगे कर लो, फिर मैं चल रहा हूँ आगे। ये हो गया आपका 18 का पहला पार्ट, 18 का पहला पार्ट हो गया। कुछ बातें मैं बोलता हूँ उसको भी आप लिख लिया करो, मैं लिखता नहीं हूँ। तो देखिए साथियों, इसका दूसरा पार्ट मैं आपको जल्दी से समझा दे रहा हूँ कैसे है, चूँकि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट करना होगा। दूसरा कह रहा था कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक पूर्णवर्ग संख्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, जो 90 डिस्क हैं उनमें एक से लेकर के 90 तक के नंबर हैं, है ना, ऐसे लेकर के 90 तक के नंबर एक एक पर दर्ज हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, जैसे 2 × 2 = 4, यानी कि जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या है वो पूर्ण वर्ग होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि 1 से 90 तक अगर आप लोगे तो कुल 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलेंगी। कितनी? 9। गिन लो अगर इसके अलावा और कोई हो 90 के बीच तक तो बताओ, नहीं ना। इसलिए कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होने के कुल कितने अनुकूल यानी कि सही सही परिणाम होंगे, जितना होना चाहिए 9 होंगे, क्योंकि 9 संख्याएं, इनमें से अगर कोई आएगी तो अनुकूल होगा मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा। तो अनुकूल कितने होंगे? 9 होंगे। अगर माना जाए कि घटना ई निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होना है, इसको लिख लेना थोड़ा अच्छा लगेगा, तो PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 9 है और चूंकि टोटल 90 है इसलिए ये संभव कितने हैं? 90 है। निकाल लोगे 1/10 आएगा। चलो कर लो, इतना हो गया। चलिए देखो यार, टाइम नहीं ज़्यादा, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आपको जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन करा दिए जाए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना, बिल्कुल निसंकोच बताना, ठीक ना, कमेंट करना। चलिए अगला, तीसरा पूछ रहा था कि इसकी कितनी प्रायिकता है, मतलब कितनी संभावना है कि 5 से विभाज्य संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि जो 90 डिस्क है उसमें से अगर कोई एक डिस्क निकालेंगे तो उस पर जो लिखे हुए अंक मिलेंगे वो 5 से विभाज्य होंगे, इसकी कितनी संभावना है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 90 तक अगर आप कोई भी डिस्क निकालोगे तो उसमें 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी देख लो। 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, 25, इस तरह से डॉट 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 90 तक, है ना, 85 भी होगा, होगा ना ये 5 से विभाज्य। तो कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं? टोटल 18 संख्याएं हैं, लिख लो, चाहे 25 के बाद 30, 35, 45 ऐसे हो जाएगा ना, कुल 18 संख्याएं हैं, लिख लो जल्दी से आगे लिखो। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18 लिखिए, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18। फिर आगे क्या लिखोगे? आगे वही जो अभी तक मैंने लिखा था, आप लोगों ने देखा था, माना घटना ई 5 से विभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता है, तो ऐसे तो लिखवाया था ना मैंने अभी तक, लिखिए माना घटना ई निकाली गई डिस्क पर एक अंकित संख्या 5 से विभाज्य है। माना घटना ई निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या 5 से विभाज्य है। तो अगर इसको मान लोगे तो क्या हो जाएगा? फी ई इक्वल लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या नीचे बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो साथियों कुल अनुकूल परिणाम 18 हैं और कुल संभव परिणाम 90 हैं, काट दोगे तो 1/5 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 18 क्वेश्चन हो चुका है साथियों। तो आप लोग अपने विचार को जरूर कमेंट करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना यार, देर नहीं करना। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। इसके बाद जो 19-20 है उसको आप खुद से कर लेना, उसके बाद मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 19 और 20 बहुत आसान है, नहीं आएगा तो कमेंट करना। 21 नंबर देखो क्या कहता है। एक्सरसाइज 15.1 आप देख रहे हैं, 15.1 कक्षा 10 की NCERT मैथ, क्वेश्चन नंबर 21 बुक में देखो अपने। 144 बाल पेनों के एक समूह में कितने, 144 बाल पेन मतलब जिसे लिखते हैं, 144 पेन है टोटल 144। फिर से देखो, 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं, 20 बाल पेन क्या हैं? खराब हैं, रद्दी हैं, शेष पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, बिल्कुल सही बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया मतलब अपने आप इच्छा अनुसार
निकाल करके एक पेन आपको देता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे। पहला क्या कह रहा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे। इसका कहने का ये मतलब है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो पेन अच्छी होगी। देखो यार, सिंपल सी बात है, दिए गए पेनों की संख्या 144 है, इसलिए पेन निकालने की जो कुल परिणाम होंगे 144 होंगे, है ना। अब आप आगे लिखो, नीचे अगली लाइन में लिखो, पहले सवाल की तरह लिखो, लिखो कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर 144। अब लिखो खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर कितनी है भाई। देखो यार, खराब कितनी थी, कितनी खराब थी, 20, है ना। खराब पेनों की संख्या कितनी थी, 20 थी, तो लिख लो 20। अब लिखो अच्छे पेनों की संख्या, क्या लिखोगे, अच्छे पेनों की संख्या बराबर 144 माइनस 20 इक्वल 124, यानी कि कुल कितने पेन अच्छे हैं, 124। अब नीचे लिखो, कहीं भी लिखो आप सभी, मैं तो ऊपर लिखूंगा क्योंकि हमारे में जगह नहीं है, लिखिए इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर, इसलिए यहाँ तक लिखने के बाद तब लिखना आगे, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 124। भाई 124 पेन अच्छे हैं तो अनुकूल परिणाम 124 होंगे, है ना, इसको लिख लो। इसके बाद आगे जो मानते हैं उसको लिख लो, जो अभी तक आप लोग मान मान के लिख रहे थे। माना घटना ई, अच्छा पेन निकालना है, लिखो माना घटना ई, ब्रेकर में लिखो अच्छा पेन निकालना है। तो अब नई लाइन से लिखो पी ई इक्वल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपान संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल 124 है 124 और संभावित टोटल 144 है, इनको आप डिवाइड कर दो, किससे कटेंगे, ये चार से काट लो तो चार से भी कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, चार तीन बारह, चार दूना ना 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 ना, चार तीन बारह, चार एक कम चार, इसको काटोगे तो चार तीन बारह, चार छंग चौबीस, 31 अपान समथिंग आएगा ना यही, ठीक है। ये हो गया कि इसकी 31/36 प्रायिकता है कि वो पेन जो हम खरीदेंगे वो अच्छी होगी, या फिर जैसे बुक में कहा वैसे भी हो सकता है। चलिए इसको आप नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी करें साथियों। इसमें अब आप आगे देखना दूसरा वाला क्या कहता है। दूसरा वाले में कह रहा था, अपनी बुक में देखो कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे मतलब वो पेन ख़राब होगी, ऐसा समझो कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन ख़राब होगी। देखो यार, टोटल जो है वो 12 पेन इसमें क्या हैं, कितनी पेन ख़राब थी, 20 बाल पेन ख़राब थी, है ना, टोटल 20 ख़राब थी, और क्या था, 144 बाल पेन टोटल थी, यानी कि 124 सही थी। तो कहने का मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो 20 पेने हैं वो आपके हाथ में आ जाएंगी। तो कैसे करोगे, आप जानते हो, हम सभी भी जानते हैं कि पी ई धन पी ई नॉट, यानी कि प्रायिकता है या नहीं है, पी ई नॉट इसको ऐसे बोलते हैं ना, इसका चिन्ह कैसे होता है आप जानते हो कि नहीं, हाँ ये इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, मतलब बार लगा देते हैं, इसको पी ई नॉट बोलते हैं, इक्वल वन होता है, ये सूत्र होता है आप सभी जानते हो। तो अभी आपने देख लिया पी ई वाला कितना आया था, 31/36 आया था, माइनस पी ई नॉट इक्वल वन, घटा लो उधर करके, बस ये भी आ गया पी ई नॉट वाला आ गया, ये 5/36 लगभग आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर, खटाखट आ गया, है ना, कर लेना इसको, केवल आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है बस। चलिए चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर में क्या कह रहा, ध्यान से देखना अपनी बुक में, क्वेश्चन पढ़ो सुनो। कह रहा कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। आप जानते हो मैच होता है, टॉस किया जाता है ना पहले, तो 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला गया। उसके बाद कह रहा है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, जो भी आता है, हेड आता है, टेल आता है, यानी चित्रपट जो आता है लिख लिया जाता है। 3 परिणाम एक समान होने पर, अर्थात 3 चित यानी कि हेड, या फिर 3 पट यानी कि टेल
होने पर हनीफ मैच जीत जाएगा, अर्थात अन्यथा वो हार जाएगा। तीन बार उछाला गया, अगर तीनों बार एक समान परिणाम आता है, चाहे हेड आए या टेल आए, तो हनीफ जीत जाएगा अन्यथा वो हार जाएगा। तो कह रहा कि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, मतलब कहने का ये मतलब है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो रिजल्ट आएगा एक समान नहीं आएगा, कहने का यही मतलब है। यही निकालना है कि इसकी क्या प्रायिकता है, क्या संभावनाएं हैं, क्या चांस हैं कि तीनों बार एक समान परिणाम नहीं आएगा, तो वही हमें निकालना है। देखो यार, सिक्का आप सभी देखे होंगे, है ना, जैसे कोई भी सिक्का मैंने ले लिया, मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर इसको उछाला जाएगा, देखो इसमें एक हेड है एक टेल है, इधर देखो दो लिखा है, रुपया बना है चिन्ह, इधर देखो अशोक स्तंभ बना है। तो इसको जब हम उछालेंगे तो देखो इसको शायद इसको हेड बोलते हैं, इसको पीछे वाले को टेल बोलते हैं, चीत या पट, ठीक। तो अगर उछाला जाएगा तो क्या क्या चांस हो सकता है, हो सकता है तीनों बार ये रुपया वाला निशान ऊपर आए, तीनों बार ऊपर आए, यानी तीनों बार क्या आए, हेड आए, है ना, तो ये हो सकता है तीनों बार हेड आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको मैंने तीन बार उछाला तो पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और फिर हेड आ गया। ये भी तो हो सकता है कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार, तीसरी बार हेड हेड आ गया। यानी कि ये कुल 8 परिणाम हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं ना। तो इसको आप नोट कर लो, तो मैं आगे आपको बताता हूँ। कुल मिला के ये 8 परिणाम हो सकते हैं। देखिए साथियों, अगर इस घटना को हम ई से व्यक्त करें तो कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे, कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, इस तरह से आप इनको गिन के देख सकते हो, 6 कुल ऐसे परिणाम होंगे जिनमें वो हार जाएगा, ठीक है। तीनों परिणाम समान होने पर ही वो जीतेगा, या तो एच एच हो या टी टी हो, चित चित हो या पटपट हो, तभी जीतेगा, नहीं तो हार जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल 8 चांस होंगे, 8 में से केवल 2 पर वो जीतेगा, अन्यथा 6 पर वो हार जाएगा। इसलिए आप क्या लिखोगे, हारने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर 6। कितने हो जाएंगे, हारने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। तो नीचे आप क्या लिखोगे, अब इसलिए ई के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो गए, 6। अब नीचे लिखो पी ई बराबर कितने हो जाएंगे, अब डायरेक्ट आंसर लिखो फाइनल वाला, पी ई बराबर 6/8। बस सिंपल सी बात है यार, आंसर आ गया, काट दो, 2/3 और 2/4, इसलिए कितना आया, 3/4। इसकी ये 3/4 प्रायिकता है कि वो क्या होगा, हार जाएगा, जीतेगा नहीं। बात समझ में आई ना। तो साथियों, ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना। इस तरह से आपका प्रायिकता का 15.1 खत्म हो गया पूरा। 15.2 में हम आपको 3 क्वेश्चन और बता देंगे, आपकी प्रायिकता खत्म हो गई है। चलते हैं फिर, जय हिंद। चलते चलते एक निवेदन है, इस क्लास को लाइक कर देना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आपको सारी क्लासें मिल सकें, और ऊपर व्हाट्सअप दिया गया है, संपर्क करना अगर कोई भी समस्या है, कुछ भी जानना है तो। थैंक यू।